पौष पुत्रदा एकादशी व्रत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। जी हाँ, पौष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। स्त्री वर्ग में इस व्रत का बड़ा ही प्रचलन और महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा की विधि क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचार का पालन करना चाहिए। दूसरा, प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में व्रत रखने वाले बिना जल के रहना चाहिए। यह व्रती चाहे तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। संतान की कामना के लिए क्या करें? सबसे पहले प्रातःकाल पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें, गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। पौराणिक कथा क्या है, चलिए मिलकर सुनते हैं। किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। संतान नहीं होने की वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंप कर वन में चले गए। उस दौरान उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वे उसी दिशा में भागने लगे। साधुओं के पास पहुंचने पर उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व का पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। वे दंपत्ति जो निसंतान हैं, उन्हें श्रद्धा पूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो, जो कि पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व का था और उसका महत्व क्या है ये संपूर्ण जानकारी देता है ये कथा और ये वीडियो, आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक व्रत त्योहार सुनने जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।